जिंदगी तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद जाके। अभी गाइस आप लोगों को करना क्या है, पहले आपको इस ऐप को ओपन करना है, एंड जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो गाइस आपको कुछ लॉगिन करने के लिए कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो वो सब आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ऐड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ईमेल से आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लॉगिन कर लिया है, तब क्या करेंगे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अलाउ कर देंगे जो भी परमिशन है मांगेगा। फिर यहाँ से हम अपनी जो वीडियो है, जो म्यूज़िक है, जिसका हमें बेस वेस जो भी कम करना है उस वाली वीडियो को यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट एंड जो भी अपने आप से सब सिलेक्ट कर लेना, एंड उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैं फर्स्ट वाला लेके यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो अब हमने सबमिट कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, अपलोडिंग फाइल जो भी है। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ मतलब इंटरफेस दिखेगा, हाँ, इस टाइप का, ठीक है। जैसे 100% हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ गेट इट कर देना है, ठीक है। गॉट इट कर देने के बाद जब आप जैसे गॉट इट करोगे यहाँ पे, आप कट भी कर सकते हो, गॉट इट भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो आपकी फाइल प्रोसेसिंग में आ जाएगी, एंड जैसे आपकी फाइल प्रोसेसिंग में आ जाएगी वो कुछ मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 सेकंड का, तो आपको वेट कर लेना है। तो बस यहाँ हमारा अपना काम हो चुका है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे जो भी मतलब एक कुछ क्लिक करने के लिए बोलेगा म्यूजिक व्यूजिक के ऊपर, तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है एक बारी, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट कर देना है, एंड यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो म्यूजिक है प्ले हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्ले करूँगा तो कॉपीराइट का जो है मतलब चक्कर पड़ जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो है वॉइस यहाँ पर रखनी है सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे कि म्यूजिक ऑफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर बेस कम कर देंगे एंड इंस्ट्रूमेंट भी कम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक रह गया है। अब गज इस चीज़ का जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना काम हो जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे जो है बैक आ जाना है, VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब VN एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मुझे पता है आप लोग VN एप्लीकेशन में प्रो हो बिल्कुल, तो आपको हर चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हम डायरेक्ट वीडियो को यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे इसको ऐड कर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी फाइल रेडी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मतलब प्ले करके दिखा देता हूँ, ये वाला गाना था वो, ठीक है। मतलब अभी आपको सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, बट मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे वाटरमार्क डिलीट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर से थर्ड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे पिक्चर का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आपको सिंपली एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है पहले यहाँ पे टैप करेंगे एक बार स्क्रीन पर, एंड इसको हम नीचे की साइड में लाएंगे कि जो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ना वो भी लगाना है हमें, ठीक है, ताकि जगह रहे ऊपर, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद जो है मैंने आपको जैसे बताया ऊपर से जो थर्ड ऑप्शन पर जो पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है, और जब भी जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी की है आपको सिंपली उस वाली वीडियो को यहाँ पर लेना है, ठीक है। उसको आप जो है पहले से कट करके रख लेना, क्योंकि इसमें जो है कट होने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जो है इसको क्रॉप भी करेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि पूरा यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे गाइस साइज़ वगैरह जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप साइज़ रखना चाहो। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम 1.1 वाला भी रख सकते हो, बट इसमें जो है कुछ पार्ट आ रहा है, बट आप थोड़ा आगे की तरफ जाओगे 4:3 वाला, तो ये आप ले लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम डन करते हैं, और अब जो इसकी साइज़ छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी हमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये रेडी हो चुका है, ठीक है, हमने थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया है। अभी म्यूज़िक के हिसाब से जो है हमने रिकॉर्डिंग किया था जो, उस हिसाब से अभी वर्क कर रहा है। तो फाइनली गाइज हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो गाइज आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज हम जो है 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।